कल यही खाऊंगी। हाँ जी, चाय परांठा ही खाती हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल मम्मा? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अफू अपना आशियाना लवू बोला। तो जी अब मैं सुबह के टाइम हो गया, बुलबुल के लिए नाश्ता बनाया है। बुलबुल कर रही है नाश्ता। कितने अंडे की भुजिया दे दिया मैंने? ये 2 अंडों की भुजिया दी है तुझे? अच्छा, तो मैंने 3-4 अंडों की भुजिया बनाई ना, तो मैंने थोड़ी तेरे को दे दी, थोड़ी मैंने फिर इनायत के लिए रख दी। वो स्कूल से आएगी ना तो फिर वो खा लेगी बहन। हमें तो देखियो नहीं जल्दी के 11 बज रहे, 1:30 बजे तक इनायत आ जाएगी। तो फिर तो बच्चों कहाँ लग रहे हैं? हाँ फिर कहाँ लग रहे हैं, हम एक बार उड़ गए तो उड़ गए। आज कितने दिनों में मैंने अपने घर पर नाश्ता बनाया है, तब से ऐसे ही हो रहा है 3-4 दिन से, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा माशाल्लाह। लेकिन ये दिन कहाँ गए ना पता ही नहीं चले। बताइएगा व्यूवर्स आपको कैसे लग रहे हैं व्लॉग्स हमारे। और ये अफू का चाय परांठा है, अफू को चाय परांठा ही पसंद है। अफू बच्चों को पकड़ पकड़ के खिलाना पड़ रहा है। इनकी शक्लें देखो कैसी हो गई हैं, आगे गड्ढे में चली गई हैं, मानते ही नहीं है कुछ। जब खाने का टाइम होता है भाग जाते हैं। आप देखो बिल्कुल रेडी था, दोनों भाग गए, दोनों भाग गए। मेरे व्लॉग में देखा है लोगों ने। तो चलिए जी हमारे ब्लॉग में भी देख लीजिए, नाश्ता चल रहा है बुल्लू फुब्बा जी का। और आज है अन्नू के जाने का दिन, और ये बहुत ही अफसोसजनक है कि मतलब अच्छा मुझे किसी ने कहा था, एक सब्सक्राइबर ने, कि आप ही ऐसे मत बोला करो क्योंकि वहाँ पे भी आप बस दुआ ये दो कि वहाँ पे भी हंसते बसते रहें रचते रहें। मैंने कहा देखो दुआएँ तो हमेशा होती हैं, खैर वो भी ध्यान रखेंगे कि वो भी उनका अपना ही घर है, याद तो आती है, याद आती है जाने के टाइम पर तो होता ही है। हम तो हो ही जाते वीरान से बेजान से, अभी इतनी जाने रौनक सी लग रही है, ऐसा लग रहा है शादी का माहौल है घर के अंदर, कहीं भी निकल रहा। और कल से तो इतना मज़ा आ रहा है, मेहमानदारी भी चल रही है हमारी, तो वो सब आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा। ये व्लॉग्स तो फिर बहुत लेट आएगा, तो उससे पहले के काफ़ी व्लॉग्स हैं। तो आज बस आज अन्नू के जाने का दिन है, तो उसकी हम करेंगे। और बहुत से सब्सक्राइब कर अपी मेहंदी कौन सी है? तो जी गाइस ये मेहंदी है निदा मेहंदी, जो आगरा में मिलती है, इंस्टेंट मेहंदी है ये। आधे घंटे में इसका बहुत अच्छे से कलर आ जाता है, तो बस यही मेहंदी में लगवाती हूँ। आई टिंग 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 बुलबुल को भी लगाई थी मैंने, मैंने तो बुलबुल को दिखाई नहीं कि मैंने बुलबुल की मेहंदी का कलर भी देख लो कितना अच्छा है। बुलबुल लग गया अपने, आ जाओ भाई, ये लग रही है अपनी वीडियो शूट करने के लिए। आ जाओ भाई, ये मेरी मेहंदी लिबू आओ। तो बस ये मेहंदी अच्छा लगता है, अच्छा लगते हैं ना गोरे गोरे हाथों पे इस तरीके की मेहंदी बस लगी जाए। वैसे तो वो फुल वाली भी बहुत प्यारी लगती है, ये भी बहुत प्यारी लगती है। आ गई मेरी परियां भी, परियां आ गई तुम्हारी? मेरी परी तो नाश्ता कर ही रही है। तो गाइस अब हो रहा है 11:30 और अन्नू निकलने वाली है, तो बच्चों के लिए बस हमने मैगी बना दी है। अन्नू की जिठानी के बच्चे हैं ना, और ऐसा है उसके लिए बस मैंने मैगी बनाई है अभी। और पूरा घर अभी किचन पूरा मैसी हो रहा है अभी, मैं आपको क्या बताऊं। तो बस जब मेहमान चल जाएंगे फिर हम लगेंगे अपने घरों की सफाई वगैरह में। तो यहाँ पर बस मैं मैगी बना देती हूँ बच्चों के लिए, ताकि सफ़र में उनको हो जाएगा। वैसे तो ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं, लेकिन वो बच्चों के लिए मैगी ही बोला था। मैं तो सोच रही थी परांठे पूरी वगैरह कुछ बना देती, तो बट उन्होंने बोला नहीं मैगी ही होगी, तो चलो ठीक है मैगी ही खा लेते हैं। तो जी अब चलती हूँ मैं, ज़रा घर के काम करूँ। सारी जगह खंडारा पड़ा हुआ है, ये देखो सारा का सारा, ये सब मैं आपको अभी क्लीन कर देती हूँ। अरे हो गया भाभी, उसी में हो गया। नहीं हो गया। होनी नहीं है, बच्चे ही बच्चे हैं यहाँ पर। आए उसमें भाभी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपके साथ। निकल लेते हैं चलो जी। उसमें भाभी आप आए, बहुत अच्छा लगा। आप भी आना, आप लोग भी। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। मम्मी का चक्कर रहा है, कैसे देख रही है नीचे खड़े होकर गजाला। ये देखो उसकी निगाह कहाँ पर है, आयशा की निगाह को मुझे नहीं दिया नानी ने, मम्मा को दे दिया सब। आयशा लो देखो, आयशा की निगाह कैसे चल रही है। ये अस्सलाम वालेकुम तो कर लो। वालेकुम अस्सलाम। आयशा आपने मुझे तो नहीं करे सलाम। आयशा आपने मुझे क्यों? उसके लिए भी बहुत है।
मेरी ये मम्मी के चल रहे हैं अनु लो कैसे वालेकुम अस्सलाम स्कूल आपको तो अभी आई चीज़ ठीक है ठीक है ठीक है चलो जी बढ़िया दीदी ले लो और तुम्हारी दीदी बोलो बोलो लाओ अरे खूब मालदार हो रहे हैं अब तो बच्चे सब आपके हाथ में है ये नहीं है अरीबा ये है अरीबा बाबू ये बच्चों में बांट देना तो स्कूल चले गई भाभी को देना है ना ये क्या हुआ फिर कुछ नहीं हुआ क्या हुआ बच्चे ने आप और लेना आप और अपी लेना ठीक है आप और अरे कुछ मेरी मौज हो गई लेके भी नहीं आए बच्चों के लिए तो क्या बच्चों आज तो हमारी मौज हो गई सही है सही ऐसे मौज रहे हैं सबके मौज हो गए आयजू की भी मौज हो गई हाँ आयजू आज तो आपने कुछ बोला ही नहीं हाय गाइस तो कराई नहीं सारे गाइस बोल रहे हैं हाय गाइस अनमून सही है जा रही है ना अपने घर दे दिए तो जी घर में ऐसे ही रौनकें होती हैं जब बेटियां आती हैं और अब जब जा रही हैं तो ऐसे ही रौनक सी होती है फिर उसके बाद थोड़ा सा शांत हो जाएगा माहौल और अभी आप फ़िलहाल सुनिएगा अनु और मम्मा की कॉन्वर्सेशन मम्मी का और अनु का मन नहीं करता एक दूसरे को छोड़ने का चलो यहाँ छुपा के रख दिया ठीक है मुझे तो मजा आता है खैर खर्चे कराने में नहीं मैं दिमागी दिमाग में दोबारा की लिस्ट बना रही हूँ नहीं ये है मेरी अपना ध्यान रखो मैं क्या हाँ मैं अपना ध्यान रखू दोबारा रो के चुप रोते नहीं चल रोते नहीं चल देर हो रही है 12:30 बजे तुम्हें मौका चाहिए रोने का अरे बाबू रखेंगे सब है ना मेरा ध्यान रखने को रो नहीं रो नहीं अल्लाह सबसे बड़ा अल्लाह है ना ध्यान रखने वाला और फिर तुम वहां से मेरा ध्यान इतने अच्छे से रखती हो क्यों पूछती रहती हो अब आ जाओ ना मिलने अब तो ठीक हो आ सकते हो आ जाओ लाइक चीज मुझे दे दे तो बस यही एक गुड बाय था जो के कहना था और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से घर में इतनी रौनक थी जैसे कि आप लोगों ने देखा ही था आप लोग सब पसंद ही कर रहे थे व्लॉग्स को कि हाँ जी अभी मज़ा आ रहा है देखने में अच्छा लग रहा है तो बस अब भी ये चिड़ियाँ अपने अपने घर उड़ जाएंगी आज अनु जा रही है और कल है विदाई बुलबुल की तो आज की जो वीडियो है ना वो मैंने सोचा था कि दोनों की विदाई एक साथ दिखा दूँ बट नहीं हो पाया और यहाँ पर हमारे ऊपर जो रेंट पर रहती है ना वो भी अनु को सलाम दुआ कर रही थी तो बस यहाँ पर खाला जी जा रही हैं अनु को छोड़ने के लिए इन लोगों की ट्रेन बुक हो चुकी थी टिकट्स बुक हो चुके थे वरना हमने तो बहुत कोशिश करी कि एक दिन और रुक जाते बट वही है ना कि ये मन भी कितना बाबरा होता है ना जितना रुकता है उतना ही मन करता है कि और भी रोके बस कुछ फोटोग्राफ्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अनु और मम्मा के जो मुझे बहुत 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 पसंद आए और पता है ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रोती मैं भी रोती हूँ इन लोगों के साथ साथ तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़।